एक पत्नी शराब पीकर अपने पति को शराब पिला करके कब्रिस्तान में उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, और फिर तब अचानक ऐसी घटना घटती है कि उसके पति की ऑन द स्पॉट मौके पर ही हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है जयपुर के आदर्श नगर कब्रिस्तान की। आदर्श नगर कब्रिस्तान में सुबह सुबह लोगों को एक डेड बॉडी मिलती है, जिस डेड बॉडी का सर बुरी तरह से पत्थर से कुचला हुआ था। लोग पुलिस के पास फोन करते हैं, पुलिस आती है, आकर डेड बॉडी की शिनाख्त करती है, तो पुलिस को पता लगता है कि यह डेड बॉडी शाहरुख नाम के एक व्यक्ति की है, जिसकी उम्र 28 साल है, और शाहरुख अपनी पत्नी के साथ कब्रिस्तान के बगल में ही एक किराए पर कमरा लेकर वहाँ पर रहा करता है। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर शाहरुख के घर जाती है। वहां पर उसकी पत्नी उसे मिलती है पुलिस को। पत्नी का नाम होता है गुलनाज, जिसकी उम्र 25 साल होती है, और पुलिस गुलनाज से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे पति की मृत्यु कैसे हुई। गुलनाज बताती है कि मेरे पति को शराब पीने की आदत थी और वह मुझसे सिर्फ ये कहकर गया था कि मैं शाम तक घर आ जाऊँगा, और वह मेरे पास नहीं आया कल से, और इस तरह से वह ज़्यादातर चला जाया करता है, दो दो तीन तीन दिन में घर वापस आया करता है। और वह बताती है कि मुझे तो पता ही नहीं उसकी मौत हो गई है। वह रोने लगती है पुलिस को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद दोस्तों पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई, तो पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करना जारी कर देती है। तो पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछती है कि तुमने कोई देखा इसके साथ, या फिर तुमने इसको देखा था कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए, इसके साथ कौन था, कैसे था, क्या था। दोस्तों तभी पुलिस को एक दुकानदार बताता है कि इसके साथ एक औरत थी, वह इसके लिए चिप्स नमकीन वगैरह लेकर गई थी, उनके हाथ में शराब की बोतल थी और वो दोनों लोग कब्रिस्तान की तरफ गए थे। अब दोस्तों पुलिस गुलनाज का यानी कि शाहरुख की पत्नी का फोटो उस दुकानदार को दिखाती है, तो दुकानदार कहता है हाँ यही औरत थी जो इसको कब्रिस्तान की ओर लेकर गई थी और इसके लिए चिप्स वगैरह नमकीन वगैरह लेकर गई थी। दोस्तों पुलिस को शक हो जाता है उसकी पत्नी के ऊपर। पुलिस गुलनाज को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपने पति को मारा, हमें सब कुछ पता चल चुका है तुमने ही अपने पति को मारा है। दोस्तों गुलनाज थोड़ी देर तो ठहरती है लेकिन ज़्यादा देर रुक नहीं पाती है और वह सारी घटना अपने मुंह से बखान करने लगती है। गुलनाज बताती है कि आज से 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी शाहरुख के साथ। शादी होकर जब मैं इस घर में इसके साथ आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि शाहरुख को तो शराब पीने की आदत है, या तो शराब का आदी है, शराब के बगैर इसकी सुबह नहीं होती है। मैं इससे बहुत परेशान होने लगती हूँ और हमारे बीच में रोज़ रोज़ के झगड़े बढ़ जाते हैं। 3 साल से हमारे बीच में लगातार झगड़े हो रहे थे, इसी तरह से समय गुजर रहा था। तभी मेरी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले एक लड़के जिसका नाम इमरान होता है उससे हो जाती है और मेरी और इमरान की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब एक दिन इमरान ये कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पति से छुटकारा दिला सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। जैसे तुम्हें तुम्हारे पति से छुटकारा मिल जाए उसके बाद तुम मुझसे शादी करना या फिर कहीं और शादी करना, तुम अपनी ज़िंदगी को आराम से जी लोगी। तो मैंने कहा ठीक है, उस बात को बताओ किस तरह से छुटकारा मिलेगा। तो मेरा दोस्त इमरान ये कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पति को मारना पड़ेगा, जैसे ही रास्ते से हट जाएगा तो फिर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और इस तरह से मारना होगा कि किसी को कानो कान खबर ना चले। दोस्तों फिर गुलनाज अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति शाहरुख की मौत की प्लानिंग करने लगती है, और तभी एक दिन सुबह सुबह गुलनाज अपने पति शाहरुख से कहती है कि आज मैं तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ, तुम शराब पीते हो, मैं तुम्हें शराब पिलाना चाहती हूँ, चिकन खिलाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ कुछ समय गुजारना चाहती हूँ। तो उसका पति शाहरुख कहता है कि पिलाओ दारू, कहाँ है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद गुलनाज ये कहती है कि यहाँ पर नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक लोकेशन फिक्स की है, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर इंजॉय करेंगे। तो गुलनाज अपने पति शाहरुख को कब्रिस्तान की तरफ ले जाती है और रास्ते में उसके लिए चिप्स वगैरह दुकानों से खरीदती है। कब्रिस्तान में जाने के बाद गुलनाज अपने पति को शराब पिलाती है। उधर शराब खत्म होती जा रही थी, उधर उसके पति शाहरुख का नशा बढ़ता जा रहा था। दोस्तों जैसे उसको नशा हो जाता है उसके बाद गुलनाज अपने पति के साथ संबंध बनाती है शमशान घाट के अंदर ही, और फिर कुछ देर बाद उसके पति को नशा और चढ़ता है, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों उसके बाद होता है मौत का तांडव स्टार्ट। जो गुलनाज होती है वह अपने प्रेमी इमरान के पास फोन करती है और कहती है कि आ जाओ मौका है। इमरान अपने दो दोस्तों को लेकर अपने साथ, उन दो दोस्तों के नाम होते हैं धीरज और नीतीश, कब्रिस्तान में उनको लेकर अपने साथ पहुंच जाता है, और वहां जाकर इमरान और उसके दो दोस्त एक पत्थर उठाते हैं और पत्थर से उसके सर को कुचलने लगते हैं। देखते ही देखते शाहरुख के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर वह अपने प्राण गंवा देता है।
उसके बाद वो सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा काम हो गया है। और जो गुलनाज होती है वह समझती है कि अब मेरी ज़िंदगी का कांटा निकल गया, अब मैं आराम से जीऊँगी। तो दोस्तों यह घटना गुलनाज पुलिस के सामने रखती है, पुलिस गुलनाज को अरेस्ट कर लेती है, उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लेती है, उनको जेल भेज देती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के बारे में? क्या यही एक अंतिम रास्ता था गुलनाज के पास कि इसी रास्ते पर चलकर वह अपने जीवन का कांटा निकालना चाहती थी, या फिर इस मामले को दूसरे तरीके से भी सुलझाया जा सकता था, या फिर हो सकता था कि गुलनाज को तलाक ले लेना चाहिए था, तलाक लेकर के कहीं और शादी कर लेनी चाहिए थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर के समाज के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके उसकी शराब को छुड़ाया जाता। तो क्या और कोई रास्ता नहीं था? गुलनाज ने जो रास्ता अपनाया क्या यह सही था? गुलनाज को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उसके दोस्तों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी राय लोगों तक शेयर जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, थोड़ी बहुत भी यहाँ से जानकारी मिलती है, तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम समझेंगे आपने हमें आशीर्वाद दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।